हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबको 70 फीट बाय 50 फीट का जो प्रॉपर्टी है, प्लॉट है, उसका प्लानिंग बताने वाली हूँ। मैंने यहाँ पे सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बनाया है, फर्स्ट फ्लोर नहीं बनाया है। अगर आप चाहते हो कि आपको देखना है फर्स्ट फ्लोर इसका कैसा है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं ज़रूर बनाऊँगी। तो बेसिकली हम लोग शुरुआत करते हैं इसके बाउंड्री वॉल से। यहाँ पर मैंने 12 फीट का बड़ा सा गेट दिया है। जैसे ही एंटर होते हैं यहाँ पर पोर्च है जो 16 फीट बाय 48 फीट है। यहाँ पे आप आराम से आपकी कार पार्क कर सकते हो। उसी को मैंने बाउंड्री वॉल दी है घर को। बाउंड्री वॉल बहुत ज़रूरी है सिक्योरिटी पर्पस और प्राइवेसी पर्पस। आपका जितना प्लॉट है, जितना तक है, तो आपको समझ आया कि इतना एरिया मेरा है, इसलिए हम लोग बाउंड्री वॉल देते हैं। और प्लस चोरों का भी डर नहीं रहता, इसलिए सिक्योरिटी पर्पस हम लोग बाउंड्री वॉल देते हैं। तो जो बाउंड्री वॉल है और जो आपका घर है, जो घर की वॉल है, उसके अंदर का जो डिस्टेंस है वो 3 फीट का है। तो जैसे हम लोग पोर्च से आगे जाते हैं तो वहाँ पे मेन गेट है, उससे हम लोग लिविंग रूम आता है पहले, जो 15 फीट बाय 24 है। ये इस तरह 15 और इस तरह 24 है। तो यहाँ पे आता है हमारा किचन जो है 14 फीट बाय 16 फीट। फिर यहाँ आगे जाते हैं एक कॉमन बाथरूम आता है जो है 6 फीट बाय 8 फीट बाय 1 इंचेस। आप इसको बाथरूम बना सकते हैं, वॉश एरिया बना सकते हैं। फिर हम आता है हमारा मास्टर बेडरूम जो बहुत बड़ा है, 16 फीट बाय 6 इंचेस बाय 15 फीट, और उसी में मैंने एक अटैच टॉयलेट भी दिया है 6 फीट बाय 8 फीट। फिर आता है हमारा टेंपल रूम जो है 5 फीट बाय 6 इंचेस बाय 7 फीट। उसी के अपोजिट मैंने स्टेयर्स निकाले हैं, उसको 10 बाय 10 का प्लेस पे मैंने स्टेयर्स निकाले हैं। फिर हमारे आता है 2 बेडरूम्स, ये 3 BHK, तो यहाँ पे 2 बेडरूम्स है जो है 12 फीट बाय 15 फीट बाय 6 इंचेस। दोनों की साइज सेम है, उसी में अटैच बाथरूम्स है जो है 5 फीट बाय 6 इंचेस बाय 6 फीट के हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको कॉलम्स भी निकाले हैं। हम कॉलम्स देखते कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो कुल मिला के यहाँ पे 16 कॉलम्स है। तो ध्यान रखना 50 बाय 70 में हमें 16 कॉलम्स मिलते हैं। सो बेसिकली इसका मैंने एक 3D व्यू भी बनाया है, एक रेंडरिंग किया है, वो भी मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी। तो ये 3D व्यू में इसका प्लान जो है वो कैसा दिखेगा। सो बेसिकली वो प्लान का ये 3D व्यू है जो मैं आपको स्क्रीन में दिखा रही हूँ। यहाँ से एंट्री है, ये लिविंग रूम है जो 15 बाय 26 मैंने बोला। ये हमारा किचन है, किचन बहुत स्पेशियस और बड़ा है, इसलिए मैंने इसको जी स्टाइल का काउंटर दिया है। आप देख सकते हैं जी एंगल का मैंने इसको काउंटर टॉप दिया है। तो आगे जाके यहाँ पे कॉमन बाथरूम जो मैंने बोला था, एक कॉमन है और एक अटैच है हमारे बेडरूम में के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 बेडरूम्स आते हैं अटैच टॉयलेट के साथ। फिर बाद में आता है स्टेयर्स और फिर आता है यहाँ पर टेम्पल। इस तरह इसका 3D व्यू है। तो 3D व्यू में कुछ इस तरह प्लान दिखता है। अगर आपको भी ऐसे 3D व्यू या प्लान चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट करें। आप मेरे ईमेल आईडी पे आप मेल कर सकते हैं। मैं फ्रीलांसर भी हूँ, और आपके साथ एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप शेयर करो मेरे प्लान्स को। किसी को अगर ज़रूरत हो तो उसको हेल्प मिलेगी। किसी का अगर 70 बाय 50 फीट का अगर प्लॉट है तो उनको ये प्लानिंग में हेल्प मिलेगी। मैं ये नहीं बोल रही कि आप इसी तरह बनाइए, लेकिन आपको थोड़ी सी मदद मिलेगी। और प्लीज़ शो सम सपोर्ट, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करें, लाइक करें। ये सबसे मेरी रिक्वेस्ट है। सिर्फ आप वो देखिए ही ना, आप उसको सब्सक्राइब भी करें और आप बेल आइकॉन को हिट करें ताकि आपको नोटिफिकेशन आए कि मैं कुछ नया प्लान डालूँ। मेरे बिजी शेड्यूल में मैं कोशिश करती हूँ किसी को मदद करने के लिए, इसलिए मैं प्लान्स डालती हूँ, वास्तु के हिसाब से पूरा डिज़ाइन करती हूँ। सो आई होप आपको मेरा प्लान पसंद आ रहा हो। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा का भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आईडी का दे दूँगी। थैंक यू।